हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे डेट 21 जनवरी 2022 क्रम संख्या 5 यानी कि सीक्वेंस नंबर 5 वर्कशीट की। तो इसकी वर्कशीट जो है वो छठी से आठवीं तक के लिए है और देखने से पता लगता है कि ये मैथ्स की वर्कशीट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना समय न गवाकर। और सबसे पहले आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। अब हम बात करते हैं आगे। समय बहुत कीमती है, हमारे अध्यापक हमें हर काम समय के अनुसार के लिए हमारा मार्गदर्शन करते हैं। काम समय पर करने में घड़ी हमारी मदद करती है। आइए अब समय के बारे में और जानते हैं। तो जिस तरीके से ये फर्स्ट दो लाइनें पढ़कर ही हमें पता लग रहा है कि ये जो पूरा जो चैप्टर दिया गया मैथ्स का, ये समय के बारे में है, घड़ी के बारे में, गणना के बारे में, किस तरह किस समय पर क्या घड़ी क्या समय बताती है। तो इसमें हमें पता लगता है कि एक घंटा जो होता है बच्चों वो 60 मिनट का होता है और एक मिनट 60 सेकंड का होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि अगर 60 मिनट जब होते हैं तो एक घंटा बनता है और 60 सेकंड जब होते हैं तो एक मिनट बनता है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, सभी बच्चे ध्यान रखें, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 12 घंटे के अंतर के लिए हम एएम और पीएम का उपयोग करते हैं, मतलब कि आज रात उदाहरण 12 बजे के बाद से कल सुबह दोपहर 12 बजे तक एएम रहेगा। ध्यान रहे बच्चों, आज रात 12 बजे के बाद से कल दोपहर 12 बजे तक एएम रहेगा, फिर कल दोपहर 12 बजे के बाद से रात 12 बजे तक पीएम रहेगा। तो इस तरह से आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे रात के 12.1 12 बज के 1 मिनट होने पर दिन के 11.59 बजे तक हम एएम का इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ा टफ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बताया है वो सिंपल लैंग्वेज में बताया है कि जैसे उदाहरण के रूप में आज रात 12 बजे से लेके कल दोपहर 12 बजे तक का समय एएम कहलाएगा, फिर दोपहर 12 बजे से रात के 12 बजे तक का समय पीएम कहलाएगा। इससे आप उदाहरण से समझ सकते हैं। अब उदाहरण में इसमें दिया गया है, उदाहरण प्रातः 6 बजे की घड़ी को प्रातः 6 बजे तथा सायंकाल के 6 बजे की घड़ी को शाम 6 बजे कहा जाता है। आओ कोशिश करें। समय एएम और पीएम, सुबह 4 बजे जैसे मैंने बताया, रात के 12 बजे से सुबह 12 बजे तक एएम रहेगा, इसमें भी लिखा हुआ है एएम। सुबह 9 बजे तक भी एएम ही रहेगा, शाम के 7 बजे तो पीएम रहेगा, क्योंकि मैंने बताया आपको शाम के दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक पीएम रहता है, तो शाम के 7 बजते ही पीएम हो जाएगा। अब सुबह उठने का समय, सब बच्चों का अलग अलग समय होता है सुबह उठने का। कोई इसमें 6 एएम लिखेगा, कोई 7 एएम लिखेगा, कोई 8 एएम लिखेगा। अब घर पर पढ़ाई का समय, कोई 1 बजे पढ़ता है, कोई 2 बजे, तो इसमें जो 1 बजे लिखेगा दोपहर के वो पीएम में आ जाएगा। 1 बज के जैसे 1:30 बजे पीएम, 2 बज के पीएम, इस तरह से। खेलने का समय, जिस समय आप जैसे शाम को खेलते हो तो 4 पीएम पीएम आएगा, शाम के समय खेलने का समय। 12 बजे से पहले होगा तो एएम। परिवार के साथ वक्त बिताने का समय, जैसे आप 5 से 6 परिवार के साथ वक्त बिताते हैं शाम के, तो वो पीएम आएगा। अब इसमें 4 घड़ियां दे रखी हैं, अलग अलग समय इसमें बता रखी है। उपरोक्त घड़ी ए बी सी डी में अंकित समय से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कौन सी घड़ी में 2:30 बजे हैं? तो बच्चों ए बी सी डी इनमें से किस घड़ी में 2:30 बजे हैं बताइए। इसमें डी नंबर घड़ी में 2:30 बजे हैं। घड़ी बी में कितने बजे हैं? घड़ी बी में 12 बजे हैं। किस घड़ी में 12 बजने में 2 घंटे 45 मिनट शेष हैं? किस घड़ी में 12 बजने में 2 घंटे 45 मिनट शेष हैं बताओ बच्चों? डी नंबर घड़ी में बताओ कौन से, नहीं ए नंबर घड़ी में 12 बजने में बताओ बच्चों कौन सी घड़ी है? जी हाँ बच्चों, वो घड़ी है सी, सी उसका उत्तर है। तो इस तरह हमने मैथ्स की वर्कशीट को भी पूरा किया। तो आप इस तरह से हमारे सभी वर्कशीट के साथ जुड़ें
और बच्चों के मार्गदर्शन के लिए हम अच्छी अच्छी जो वर्कशीट लेकर आ रहे हैं। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।